राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सावन सोमवार व्रत कथा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में भगवान भोलेनाथ का बहुत प्राचीन मंदिर था। मंदिर में पुजारी जी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते थे और वहीं पर रहते थे, यानी अपना निवास करते थे। सभी भक्तजन मंदिर में प्रसाद के साथ साथ भोजन पकाने की सामग्री भी चढ़ाते थे, क्योंकि पुजारी जी ने यह नियम ले रखा था कि जो भोलेनाथ का वो रसोई में ताज़ा पके भोजन का ही भोग लगाते थे। एक दिन कोई एक छोटे से बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ जाता है। जब वह बच्चा रो रहा था तो पुजारी जी उसकी रोने की आवाज़ सुनकर मंदिर से बाहर आ जाते हैं, तो उन्हें एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। वह उस बच्चे के पास आ जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि शायद बच्चे के माता पिता कहीं आसपास हों, लेकिन उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता है। वह बच्चे के पास बैठकर उसके माता पिता का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सुबह से शाम हो गई और फिर रात भी हो गई, लेकिन उस बच्चे को कोई भी लेने नहीं आता है। अब पुजारी जी उस बच्चे को मंदिर के अंदर ले आते हैं और अपने साथ ही रख लेते हैं और उसका नाम भोला रखते हैं। भोला धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मंदिर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेता है। वह मंदिर की साफ सफाई से लेकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना, यह सब काम करने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और पुजारी जी बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब भोला बेचारा अकेला रह जाता है। भोला और भोलेनाथ के साथ मंदिर में अकेला ही रहने लगता है। सावन का महीना आ गया, मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए कोई भी श्रद्धालु मंदिर नहीं आया। भोजन पकाने का जो सामग्री थी वह भी खत्म हो चुकी थी, वह भी नहीं थी। अब भोला ने बहुत इंतज़ार किया कि कोई भक्तजन आ जाए जिससे वह भोजन तैयार करके भोलेनाथ को भोग लगा सके। वह इंतज़ार करते करते थक गया। खुद भी वह भूखा था कि भोलेनाथ को भोग लगाएगा तभी वो कुछ खाएगा। बेचारा थक गया, लेकिन कोई भी श्रद्धालु उस दिन नहीं आया। अब भोला ने बारिश के जल को लेकर भोलेनाथ को भोग लगा दिया और वही जल खुद भी पीकर रह गया। भोलेनाथ उसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, लेकिन फिर बाद में उनको उस पर इतनी दया आई कि उनसे रहा ही नहीं गया। अब भोलेनाथ ने एक सेठ के नौकर का रूप लिया और बारिश में चलते चलते भीगते हुए मंदिर के द्वार पर पहुँचे और भोला से बोले कि ये लो। उन्होंने एक थैली दी और बोले कि सेठ जी ने ये सामग्री भिजवाई है और तुम इससे अपना भोजन बना लो और भोले बाबा को भोग लगा दो। तो भोला ने भोजन पकाया और भोलेनाथ को भोग लगाया और पूरे सावन के महीने तेज बारिश भगवान होती रही और भगवान भोलेनाथ सेठ का नौकर के रूप में भोला को सामग्री देने आते रहे। एक दिन भोला ने नौकर बने शिव जी से कहा, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ हैं लेकिन कभी भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने नहीं आते, उनसे कहो कि वो जरूर आए। भोला का ऐसे कहने से नौकर बने भोलेनाथ चकरा गए और बोले, भोला से बोले, पुजारी जी जैसा चल रहा वैसा ही चलने दो। सेठ जी सामग्री तो भेज ही देते हैं और आप भोग लगा देते हो। इस पर भोला बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे सेठ जी तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्या मैं उनको प्रसाद खिलाकर अपना फर्ज पूरा नहीं करूं? तुम उन्हें कल जरूर भेज देना, नहीं तो मैं ये सामग्री लेना बंद कर दूंगा। अब अपने सच्चे हृदय वाले भक्त की भक्त पर रीझ कर भोलेनाथ बने नौकर ने कहा, ठीक है पुजारी जी, हम अपने सेठ को जरूर प्रसाद ग्रहण करने के लिए कल पधारेंगे। अब भोलेनाथ भोला भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कैलाश पर तैयारी करने लगे। माता पार्वती ने सेठानी का रूप धरने के लिए तैयार हो गई।
अब भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों धरती पर पहुंचे। उदार भोला भक्त सेठ जी के इंतजार में तरह तरह के व्यंजन स्वादिष्ट पकवान में बनाने में लगा हुआ था। तभी सेठ और सेठानी बने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते हैं। तब भोला बोला, आप अभी बैठो, मैं भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर आपको भोजन परोसता हूँ। माता पार्वती और शंकर भोला का इंतजार करने लगे। अब भोला भगवान भोलेनाथ का भोग लगा कर आता है तो सेठ बने भोलेनाथ और माता पार्वती को बोली कि मैं अभी आपको प्रसाद खिलाता हूँ। और भोला ने खीर से भरा हुआ बर्तन सेठ जी के साथ बने भोलानाथ को सामने जो परोस दिया। अब भोलानाथ बने सेठ जी सारी खीर को खा जाते हैं। अब भोला बेचारा खीर डालता जाता और भोलेनाथ खीर खाते जाते। इस तरह भोलेनाथ ने जो भोला ने खीर बनाई सारी खीर को खा जाते हैं। अब भोला बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और बोला, सेठ जी मुझे नहीं पता था कि खीर आपको इतनी पसंद आएगी, नहीं तो मैं और ज़्यादा खीर पका लेता। अब सारी खीर खत्म हो गई है और सेठानी जी तो भूखी ही रह गई हैं। अब सेठानी बनी माता पार्वती ने सेठ जी के खाए हुए बर्तन में लगे कुछ चावल के जो दाने लगे हुए थे उनको उठाकर खा लिया और भोला से बोली, मैंने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया, मेरा भी पेट भर गया। अब खीर के कटोरे में एक चावल का दाना बचा हुआ था तो भोला ने वह दाना खा लिया। उस दाने को खाने से भोले की सारी भूख प्यास समाप्त हो गई और उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए। उसने देखा उसके सामने भगवान शिव और माता पार्वती खड़े हुए हैं। भोला भागकर उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं तो धन्य हो गया भगवान भोले नाथ और माता पार्वती के दर्शन पाकर। हे भोलेनाथ, मेरे जैसे हे भोलेनाथ, और उनके चरणों में गिर गया और भोलेनाथ के चरणों में ही समा गया। हे भोले बाबा, जैसे आपने अपने भोले भक्त को दर्शन दिए, उसकी मनोकामना पूरी की, ऐसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो ओम नमः शिवाय।